किसी का खून नहीं पी रहा हूँ, है ना, किसी का खून नहीं पी रहा। हाँ, शादी हो गई क्या भैया? नहीं हुई शादी, जब भी तो ज्यादा बोलता हूँ लोगों को फ्रूट तोलता हूँ। हम एक नंबर से ऊपर है, मेरे भैया का चैनल भी सबसे ऊपर है। चार्ज हो चुकी है, सो लेट्स चेक। 130K के आस में उनके इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स हो चुके हैं। शाम के टाइम पे हमें भीड़ मिलेगी देखने को, तो इसलिए वक्त से पहले ही हम आगे फिलहाल चलते हैं आगे की तरफ। बढ़िया फील होता है जब मेरा वायरल ही होता है, लोगों के चेहरे बसी लाने के लिए मैं जी रहा हूँ, किसी का खून नहीं पी रहा हूँ। ओला S1 Pro से फिलहाल आ चुके हैं और ये आ चुके हैं हम के पास। वीडियो बनाते बनाते आपके चेहरे पे स्माइल नहीं आ रही है, क्या हुआ? घरवाली कुछ फ्रूट नहीं खा रही है? तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं जा रहा हूँ एक फेमस इंस्टाग्रामर से मिलने के लिए, और वो हमारे एक दोस्त है जो फिलहाल आप सभी की जानकारी के लिए बता दूँ, उनके अच्छे खासे फॉलोअर्स हो चुके हैं, लगभग 130K के आस में उनके इंस्टाग्राम में फॉलोअर्स हो चुके हैं और यूट्यूब भी उनका मोनेटाइजेशन हो चुका है। सो आज मैं जा रहा हूँ उनसे मिलने के लिए और वहाँ पर उनका चैनल को हम मोनेटाइज करेंगे और बाकी मिलकर बताते हैं उनको कैसी क्या खुशी हुई उनका, एकदम से उनका जो वीडियो वगैरह वायरल हुआ उनको कैसा फील हो रहा है, ये सब चीज़ जाके हम वहाँ पर मिलकर देखेंगे और फील करेंगे कि यार एक इंसान वायरल होने के बाद में कैसा रहता है, उसका रहन सहन कैसा हो जाता है, उसका टोन कैसा हो जाता है और उसका बोलने का तरीका क्या हो जाता है, सबसे बड़ी बात जो होती है ना पर्सनैलिटी कितनी डेवलप हो जाती है, तो ये सब चीज़ हम आज जाके वहाँ पर चेक करेंगे। फिलहाल जा रहे हैं हमारी ओला इलेक्ट्रिक स्कूटर से जो शायद तक फुल चार्ज हो चुकी है। कितना क्या चार्ज हुआ है, चार्जर अडेप्टर को हमने ऐसे बाहर ही रखा है और बेचारे को साफ करे जमाना हो गया। पासवर्ड आप नहीं देखो तो बेटर, दो बार चेंज कर चुका हूँ। ये हो चुका है, बैटरी परसेंटेज 100% बैटरी है। सो चलते हैं हमारे धंधों को लेके और आगे का आपको पूरा बताऊंगा कि कैसा क्या रास्ता रहेगा और कैसा क्या रहेगा। फिलहाल फेमस है तो आप भी जानते हो भीड़ तो मिलेगी, एक पता चलेगा वहाँ पे जाने के बाद। फिलहाल गाड़ी को हमने स्टार्ट कर दिया है, बड़े वाले भैया चलने के लिए, तो एक्सपीरियंस कैसा क्या रहेगा पूरा कमेंट करके बताना, आज बताना मेरे को कैसा क्या बनना है। और तो यहाँ पर हम आ चुके हैं हमारी ओला S1 Pro से, फिलहाल ओला S1 Pro से आ चुके हैं और ये आ चुके हैं हम सब्जी वाले भैया से मिलने के लिए। अब मैं बता दूँ यहाँ पर है वो भैया सब्जी वाले भैया जिनसे हम मिलेंगे, फिलहाल ढूंढना पड़ेगा उनको क्योंकि अभी क्या है ना वायरल हुए हैं भैया ताज़ा में, तो क्या भीड़ भाड़ भी हमें मिल सकते हैं। फिलहाल हम पहले ही आ गए वक्त से पहले क्योंकि हमें पता था कि शाम के टाइम पे हमें भीड़ मिलेगी देखने को, तो इसलिए वक्त से पहले ही हम आ गए। फिलहाल चलते हैं आगे की तरफ और बताते हैं कहाँ मिलेंगे इस भरी भीड़ के अंदर। और जैसा मैंने आपको पहले कहा था भैया कहीं ना कहीं भीड़ के अंदर छुपे हुए होंगे। फिलहाल भीड़ का नज़ारा आप खुद देख सकते हैं, ये मार्केट है और फिलहाल भैया आप देख सकते हैं, वो भैया भैया को मैंने सरप्राइज़ दे रहा हूँ क्योंकि भैया को मैंने बताया नहीं था कि हम यहाँ पर आने वाले हैं। सो ये है वो सब्जी वाले भैया। और भैया क्या हाल चाल? बढ़िया हाल हो रहे हैं और सुनाइए। बढ़िया मजे में जिंदगी कट रही है, चोरी की मम्मी फ्रूट लेने के लिए नट रही है। तो सब्जी वगैरह वाले भैया ये हैं, इनका ठेला है यहाँ पे, सैटरडे बुधवार को ये लगाते हैं। भैया के डायलॉग तो आप जानते हैं कितने फेमस है, आजा बढ़िया बढ़िया लेना हमको, चोर को अपने घर वालों के नाम को। अभी देखिए अभी सवा किलो, हम एक नंबर से ऊपर है, मेरे भैया का चैनल भी सबसे ऊपर है। ये देखिए कितना ही तगड़े, मतलब ये डायलॉग जो बनते हैं ना, सवा किलो 100 किलो, ये 120, ये 100। तो अब भैया का हम थोड़ा सा लेते हैं इंट्रो क्योंकि अभी फिलहाल भैया सब्जी बेच रहे हैं। आ जाओ जी, हाथ में पेलो, आ जाओ बढ़िया फ्रूट खाओ मेरी दुकान से पेलो, जब मेरा वायरल ही होता है, लोगों के चेहरे बसी लाने के लिए मैं जी रहा हूँ, किसी का खून नहीं पी रहा हूँ, किसी का खून नहीं पी रहा। हाँ, शादी हो गई क्या भैया? नहीं हुई शादी, जब भी तो ज्यादा बोलता हूँ लोगों को फ्रूट तोलता हूँ। शादी नहीं हुई भैया की, इसलिए भैया ज्यादा बोल रहे हैं और शादी के बाद में भैया जितनी बातें कर रहे हैं, शादी के बाद में भी बोलते रहेंगे, लोगों के चेहरे पे स्माइल डोलती रहेगी और अपने बोली ऐसे बोलती रहेगी। हर बात पे भैया के पास डायलॉग मिल जाएंगे, जिस तरीके से भैया के पास फ्रेश सब्जी है उसी तरीके भैया के पास सारे डायलॉग फ्रेश है। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी जो लोकेशन है वो है अपने सिरसी लिंक रोड पे ना, ये सिरसी लिंक रोड पे है जो
हर बुधवार को लगाते हैं। केड़िया के पास में ये साथ में रही केड़िया को, गुरुवार को, और गुरुवार को यहाँ पर भैया देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर भैया सब्जी लगाएंगे, बाकी डायलॉग से भरे पड़े हैं भैया के पास। वीडियो बनाते बनाते आपके चेहरे पे स्माइल नहीं आ रही है क्या भैया? घर वाली कुछ फ्रूट नहीं खा रही है? आम घर वाली फ्रूट दिखा रही थी। और आपके जानकारी बता दूं, यहाँ पर जितनी भी भीड़ है सब भैया को देख रही है, क्योंकि भैया के डायलॉग कुछ स्टाइल से हैं। अभी थोड़ा सा भैया के पास जाते हैं। अंदर पे लेके आए हो थैला, ये खाना छोटा थैला, ये 40 रुपए किलो पड़े, ले लो बिल्कुल। आम खाओ जूस के, बच्चे नहीं सोए रूस के। 120 रुपए किलो, 120 का गेम है। सुना तो जीतने वाला जीत गया, आम नहीं ले रहे हो क्या? पैसा बीत गया। 120 रुपए किलो, 120 रुपए किलो। छोटो बड़ो कर दे माई, कम से कम ज़्यादा है 2 किलो की जगह 2.5। मतलब सब्जी को बेचने का एक अलग सी जो हुनर है शायद बहुत कम लोगों ने, मैंने तो आज तक देखा नहीं। हाँ, अगड़ा ही हुनर है, जरा टैलेंट है। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी जो बात है सुनकर, इसकी इनकी जो टॉन है सुनकर, सभी बंदे खुश हो जाते हैं और चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान आ जाती है। चोरे की मम्मी बटुआ चेक कर रही है पहले, आज कितने लोग खेले। अब वो आंटी जी जब बटुआ चेक कर रहे थे अपना खुद का, तो उस घी कपूर ने भी डायलॉग मार दिए। बाबा को था को काम में, मारो बेटो काम में, दस ही आम है 50 का होगा भाई। सो अब यहाँ पर मैं आ चुका हूँ, पूरा ठेला है और फिलहाल ओलो से हम फिर जाएंगे। अब भैया का थोड़ा सा बिजी है तो भैया को हम डिस्टर्ब नहीं करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं इवनिंग का टाइम है, भैया को सेल आउट करना है और डायलॉग के भी बोछार भैया को लगाने हैं, तो बीच में छेड़ाछाड़ी नहीं करेंगे, वरना भैया डायलॉग मारने में कमी नहीं छोड़ेंगे हमारे ऊपर भी, क्योंकि डायलॉग तुरंत बनते हैं यहाँ पे। ये देखिए ये 100 रुपये किलो, ये 120 रुपये किलो, ये 100 रुपये किलो। एक नोट फट गया बाद में, मन ना करो पीछा सोने का लो सीखा। चेहरे पे जो स्माइल है वो अलग से ही आ जाती है, क्योंकि सब्जी बेचने का जो हुनर है, सब्जी बेचने का जो टैलेंट है, और किसी के पास नहीं है। और मैं कहता हूँ भगवान को खूब प्रगति दे, भैया को खूब प्रोग्रेस दे। आज 118 के है, ये देखिए मुस्कान आनी चाहिए। आ जाओ आ जाओ सेठ जी, हाथ में इतना बड़ा थैलो, चोरों भी साथ में थैलो, थोड़े हम भी ले लो। जाना मोटा अच्छी देर में साठ रखो मोटा मोटा। ये तो दूसरा है, ये दूसरा है, ये दीपक सर आ गए सब्जी लेने के लिए। नींबू का भाव है भाई, नींबू का भाव है 40 रुपया पाव है। और क्या ये 120 रुपये किलो। अब दीपक सर जैसे कुछ बोलेंगे, दीपक सर कह रहे हैं कि नींबू क्या भाव है, इनको कह रहा हूँ 50 डिग्री तापमान में भी गर्म नहीं हुई बच्चों की गंजी, ऐसे नींबू के पिलाओ जैसे गंजे। नींबू बिल्कुल पिला है, और दीपक भैया भी मेरे से काफ़ी दिन बाद मिला है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, वो बनने के दूध वाले भैया, ओ भाई जन्ना बाकी नहीं जा रहा करो, निकल जाती है लेकिन काल ज्यादा पिघल जाती है। 125 किलो आम है, क्या नाम नेहा के लिए, सिकन जी के लिए नींबू लेके जा रहे हैं। मेरे को पापा जी कल घर पे आ रहे हैं। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खोपड़ी भी गर्मा जाएगी, ऐसी अदरक देख के तो नेहा जी भी शर्मा जाएगी। बढ़िया बढ़िया नींबू लो। देखो अब ज्यादा देर तक रुकेंगे नहीं, नहीं तो भैया अपने ऊपर भी डायलॉग मार देंगे। ज्यादा देर तक रुकना नहीं, रुकना चाहिए। आप लोग नींबू की शिकंजी पीजिए, 10 साल ज्यादा जीजिए, ये लीजिए। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, ठीक है। चलो मिलते हैं नए वीडियो के साथ में। फिलहाल वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताए, और भैया से बात करना आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताए। रूस के बच्चों को हम खिलाओ नहीं है जूस के, ये देखिए चेहरे पे स्माइल आती रहेगी, छोरे की मम्मी फ्रूट भी खाती रहेगी। मिलेंगे यार क्या।